हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं जशोदा, जिनका आईआईटी रोपड़ में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। ये हमारे रेगुलर बैच से थे तो, और ये सिलेक्शन के पहले इनका बहुत आईआईटीज में सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो सी हैज गॉन थ्रू रियली टफ टाइम, मतलब बहुत ही टफ। इनका हर जगह रिजेक्शन हो रहा था, हर जगह। तो आज वही चीज इनसे हम लोग सुनेंगे, उस टाइम पे कैसे अपने आप को मोटिवेट किए, क्या स्ट्रेटेजी था, क्या प्लान था, एंड सो फोर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जशोदा कुमारी, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर अच्छा लग रहा है। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में एक जालौर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से। ओके। और मेरा जो स्कूल था वो मैं 6th क्लास से हॉस्टल में हूँ। तो मेरा जो स्कूल था वो जवाहर नवोदय विद्यालय था। जेएनवी। हाँ सर, JNV। और उसके बाद में मैंने मेरा BSc बनस्थली विद्यापीठ से किया है, जो जयपुर में है। ओके, वाओ। अच्छा, और फिर मेरा MSc NIT वारंगल से हुआ। तो एकेडमिकली देखें तो आपका जो रहा है शुरुआत से, स्कूलिंग से बहुत ही अच्छा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय, दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, राइट? है ना, सभी को जानते हैं। तो वहां पे मन से पढ़ाई किया था, कैसा था वहां का एक्सपीरियंस, थोड़ा वो बताइए पहले। सर वो पहली बार हॉस्टल में गए, छोटे छोटे थे तो ठीक है, बहुत 1 महीने तक तो पूरा रोना ही था क्योंकि मन नहीं लग रहा था। बाद हर में किया था। ठीक था। हाँ फिर सब जैसे सब छोटे छोटे तो वो टीचर्स वगैरह वो भी सब बहुत हेल्पफुल वगैरह थे। तो सबने ऐसे ही वो टीचर्स भी ऐसे ही थे कि वो ऐसे सोचते थे कि हमारे ही बच्चे हैं करके। तो हम फिर मन लग गया था। फिर हम 12th के बाद जब निकले तब हमें बुरा लग रहा था कि हमें और पढ़ना है यहाँ पे। और 12th तक ही था तो फिर तो वहां पे एकेडमिकली उसका किस किस क्लास में एडमिशन होता है, थोड़ा सा ये बता दे। जेएनवी के लिए फिफ्थ सिक्स्थ कब से एडमिशन होता है? हम लोग के टाइम पे शायद सिक्स्थ क्लास से एडमिशन होता था। अभी हाँ भी वो सर। सिस्टम है या कुछ चेंज हुआ है? नहीं, सर 6th में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 5th में होता है, फिर 6th से वो जाते हैं वहां पे। हाँ अच्छा, फिर वो और 12th तक होता है। हाँ सब कुछ रहना खाना सब भारत सरकार का वो जिम्मेदारी है, जी सेफ्टी सर वगैरह भी सब पूरा। कुछ ऐसा ही? हाँ सर पूरा एकदम हॉस्टल ही था, कोई भी घर पे नहीं जा सकता था। कि छुट्टियों में जाते थे, बाकी ऐसे नहीं है कि घर से आओ पढ़ने और फिर वापस घर जाओ, ऐसा नहीं था। हॉस्टल में ही रहना पड़ता था सबको। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आप प्लस टू के बाद आ गए वनस्थली। वनस्थली भी बहुत अच्छा नाम है उसका, गर्ल्स लोगों के लिए कॉलेज है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ ये सब पूरा हाँ गर्ल्स का है सर। हाँ कैसा वहां का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वहां पे भी वहां पे बहुत एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हमारे वहां पे जो उसकी पायलट वालों उसकी भी ट्रेनिंग होती है, और स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से था वहां पे। हॉर्स राइडिंग सबसे मेन, वो वहां पे हॉर्स राइडिंग भी होती थी, सिखाते थे वो। आप लोगों ने सब और किया ये सब चीजें, वहां की एक्टिविटी में शामिल थे? थोड़ा बहुत किया था लेकिन अच्छे से नहीं किया क्योंकि हमारा ये था ना, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस ज्यादा था। जैसे हम कुछ लोग होते हैं मैथ बस पढ़ाई पे। जी सर पढ़ाई के पे। तो तो वही वहां से फिर आपका बीएससी हुआ बनस्थली से। अच्छा, जी उसके सर। बाद फिर एमएससी? सर उसके बाद में बनस्थली से फिर वो IIT जैम का हमने एग्जाम दिया था, उसके थ्रू IIT तो नहीं मिला लेकिन फिर NIT वारंगल गए। मिला ना, आज आज ही मिला कि कल मिला? कल मिला ना हाँ आईआईटी। सर। हाँ सर अब अब मिल तो पीएचडी में मिला है। हाँ, तो गया। एनआईटी में आप थे, एनआईटी का क्या एक्सपीरियंस था? एनआईटी में आप कैसे देख रहे थे? सर NIT में वहां आके ही मुझे सब कुछ पता चला कि रिसर्च क्या होता है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या किस किस फील्ड में आप जा सकते हो इस टाइप में। तो वहीं से ज्यादातर जो मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ वो वहीं से हुआ है। बाकी जो वहां पे जो जैसे बहुत पूरे इंडिया से अलग अलग तरह से लोग आते हैं, जो वहां पे लैंग्वेज
वगैरह उस टाइम सब पता चल जाता है कि कौन से स्टेट में कैसा है क्या है, सब मतलब सब फ्रेंड्स लोग बैठते हैं तो सब शेयर करते हैं कि हमारे उधर ऐसा है, हमारे उधर ऐसा है, तो मतलब पूरा एक मतलब अच्छा देश था था। वहां पर, पूरा भारत के अभिन्न हाँ अभिन्न हाँ राज्य से सर, स्टूडेंट्स थे वहां पर। मतलब बहुत कुछ सीखा आपने, मैथ तो सीखा ही, साथ साथ भारत को भी स्टडी किया कि कैसे क्या जगहों के लैंग्वेजेस हैं, कैसे क्या है। नहीं, वो शायद आपको नहीं पता था पहले। जी सर, वो फिर अब इस पता सब पता है कि हाँ ये बंगाली लोग ऐसे बोलते हैं। अब कहीं जाते हैं ना तब भी कोई बोलता है ना, ऐसे बात करता है तो समझ आ जाता है कि हाँ ये वहां से आया है। जी चलो बहुत बढ़िया, मैं भी सीखूंगा आपसे है ना कि कैसे क्या टेक्निक है। anyway, तो ये फिर NIT से आप निकले, उसके बाद फिर यहाँ नोबल फोरम हमारे पास कैसे? जी सर, मतलब एक तो ये है कि मुझे आपके बारे में अभी मतलब जून जून में ही पता चला, जब ये सब इंटरव्यू वगैरह खत्म हो गए थे। उससे पहले मेरा जो एमएससी है वो 2021 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैंने एक साल मैंने घर पे ही, जैसे लॉकडाउन के बाद मैं घर घर पे ही हूँ लॉकडाउन से, और फिर मैंने घर पे ही प्रिपरेशन किया था इसका, नेट JRF का। तो ये तो हो गया था घर पे बैठ के, मतलब प्रिपेयर किया तो हो गया था। उसके बाद में ये था कि ठीक है इंटरव्यू भी हम दे देते हैं, हो जाएगा। तो इंटरव्यू भी सब जगह, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह ही IITs में दिए थे, क्योंकि शॉर्टलिस्ट हो गए थे, कई कई नहीं हुए थे, बाकी हो गए थे। तो हमने दिया कई, तब भी सब जगह रिजेक्शन हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गए। जून में जब दिया था हमने, मई अप्रैल अप्रैल जून वगैरह में दिया था तब। उसके बाद में आपका मतलब ऐसे जैसे YouTube पे ही वगैरह पता चला, और एक मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि तो मैंने मतलब मेरी फ्रेंड को मैंने ये बोला कि रिजल्ट आते हैं कैसे पता चलता है कि हाँ अभी रिजल्ट आ गया, वहाँ का आ गया, वहाँ का आ गया। तो मेरी फ्रेंड ने ये बोला कि ये लिंक देख ले, यहाँ पे सब आ जाता है, जिसका भी रिजल्ट आता है सब आ जाता है। तो फिर मैंने फिर वो आप तो वो सब इंटरव्यू वगैरह देखे, और मुझे ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आई कि हाँ अब जाना है, यहीं जाएंगे। फिर मैंने आपको मेल किया, फिर आपने कॉल किया, फिर अब आपके भी वही। लोग इंटरव्यू देखेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे। आप भी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन बनोगे, बहुत सारे, है ना? तो ऐसा ही है। चलो, ये चीज तो ये तो गया, ठीक है। अभी तक का जर्नी नवोदय, फिर बनस्थली, फिर NIT, एंड देन नोबल फोरम, और फिर अब IIT कहाँ पे? रोपड़। रोपड़ क्या बात है, कब आया रिजल्ट IIT रोपड़ का? सर कल आया था। कल आया था। वाह, तो कैसा जब रिजल्ट देखे, मेल कैसा, क्या रिस्पॉन्स? जी सर, मतलब सर मेरे को मतलब ऐसे आया है, मैं बैठी थी और ऐसे सोच ही रही थी कि क्या करना है, मैं आगे का प्लान बना रही थी कि भाई अब करना तो यही है, तो हमें वापस से पढ़ना स्टार्ट कर लेना चाहिए, अब बैठना नहीं है रिजल्ट के भरोसे, पता नहीं रिजल्ट तो आएगा नहीं आएगा। तो सोच लिया था कि हाँ अब वापस लगते हैं पढ़ने में। फिर एकदम से मेल आ गया मुझे, फिर मैंने देखा, पहले तो सही से पढ़ा कि भाई है या फिर कुछ और है। फिर देखा, फिर सबसे पहले मैंने पापा को फोन किया, फिर पापा खुश हो गए कि हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। फिर मम्मी वगैरह को बताया। चलो वाह, बहुत बढ़िया। मुझे भी मतलब जब आपका तो इतना जो आप फेल हो रहे थे, और साथ साथ आपके जो बैचमेट्स थे यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो रहा था PhD में, वो फीलिंग कैसा था? बहुत जगह IITs में आप रिजेक्ट हो रहे थे, आपके क्लासमेट सिलेक्ट हो रहे थे यहाँ के, तो क्या चल रहा था उसमें दिमाग में, क्या था उसमें आपका दिमाग? सर दिमाग में मतलब ये था कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रही, मतलब कि सर इतना अच्छे से करवा रहे हैं वगैरह, और मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो मैं पढ़ रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब क्या कमी रह गई। फिर मैंने सोचा था कि हाँ अब वापस, अब देखो अभी मतलब आप ही बोलते हो कि गलतियों से सीखो, तो फिर मैंने कहा हाँ अभी मैं इंटरव्यू में, मतलब मेरा जो मैंने देखा कि मेरी क्या गलतियां हो रही है, तो फिर मैंने कहा अब इस पे ही ध्यान देंगे, अब नहीं गलतियां करनी।
चलो, मतलब लगभग आईटी से बहुत सारे आईटीज आपने दिए इस बार, राइट? लगभग 6-7 आईटी दे दिए होंगे मंडी ना या रोपड़ के पहले, तो लगभग। और जहां जहां आप गए वहां वहां आपके स्टूडेंट, मतलब यहाँ के क्लास फेलो का होता गया सिलेक्शन, राइट? है ना? तो फिर जी कैसे अपने आप को मजबूत बनाए रखे कि नहीं कि चलते हैं, कि मतलब क्या था वो? बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेके छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, आप उसमें अपने आप को कैसे संभाले? सर, मतलब मैं जब इंटरव्यू देने जाती थी तो ऐसे सोचती थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे, लोग पूछेंगे वगैरह, मेरे को थोड़ा ऐसा रहता था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब इंटरव्यू हो जाता था उसके बाद में मैं ये सोचती थी कि अच्छा, मैंने इतना सही किया, इतना गलत किया, अब पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे ये लोग। फिर उसके बाद में रिजल्ट आ जाते थे तो जैसे हमारे बैच में ही हो जाता, मतलब अच्छा लगता था कि हमारे बैच में से हुआ बच्चों का। पर कई कई वो भी होता था कि हमारा नहीं हो पाया, लाइक मतलब ऐसे हो जाता था। उसके बाद में फिर जब इतने सारे इंटरव्यू हो गए, उसके रिजल्ट भी आ गए, उसके बाद में फिर सोचना ही बंद कर दिया। मैं कहा अब सोचना ही नहीं है, अब देना है, जाएंगे इंटरव्यू। देंगे हाँ बस इंटरव्यू, इंटरव्यू मस्ते सर, देंगे, हाँ, और अपना बस इंटरव्यू देंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। क्या बात है, बहुत जी बढ़िया। सर। सर हाँ सर, मतलब सबसे पहले फिर मैंने बस ये सब इंटरव्यू हो गए, फिर रोपड़ का आया तो मैंने यही सोचा कि अब छोड़ो यार, जो भी होगा देखा जाएगा। हमने प्रिपेयर जितना किया है उसमें हम अपना 100% देंगे वहां जाके, और फिर रिजल्ट का नहीं सोचना, जो होगा वो देख लेंगे। फिर वहां जाके सर रोपड़ में दो इंटरव्यू हुए थे, तो जैसे फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो वो हो गया था, तो उसके बाद में थोड़ा ऐसे हुआ कि हाँ चलो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर सर वहां से पता चला कि हाँ अब तो ठीक है, अब देखो। क्या बात है, ये था आपका अभी तक का जर्नी। अब थोड़ा सा इसमें हम आते हैं, ये मैथ को लेके कब आपका क्यूरोसिटी जगा? क्योंकि आप जहां से पढ़े हो, JNV हो गया, बनस्थली हो गया, जैसे आपने बताया बनस्थली में मतलब स्टूडेंट्स का डायमेंशन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर होता है वहां पे, राइट? है ना? मतलब एक एक आप देख रहे हैं आपके रूममेट कोई स्विमिंग में है, कोई टेबल टेनिस में है, कोई बैडमिंटन में है, कोई घुड़सवारी में है, कोई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, कोई मॉडलिंग में है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो कब लगा कि नहीं यार यही अच्छा है, यही मेरे को अच्छा लगता है मैथमेटिक्स और इसी में काम करना है, ये फीलिंग कब आई आपको? सर जैसे बचपन से ही मैथ तो अच्छा लगता ही था। उसके बाद में 11th क्लास में जैसे हमें ब्रांच देते कि तुम्हें मैथ्स में जाना है या फिर बायोलॉजी आर्ट्स वगैरह में जाना है, तो तब से पता था कि हाँ मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स में ही जाएंगे। फिर उसके बाद उस टाइम इतना जैसे 11th 12th में तो हायर मैथमेटिक्स नहीं होता इतना, तो फिर वहां से फिर उसके बाद में कॉलेज आए, फिर BSc किया, तो BSc में सारा सब्जेक्ट जैसे कि हायर मैथमेटिक्स का आ जाता है उसके। तो तब जैसे कि एक तो वो भी होता है ना कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो बहुत मैटर तो करता है, वो भी बहुत मैटर करता है जी वो। यस सर, तो वही, तो वहां जाके मेरे को फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा मिल गया, मतलब थोड़ा पढ़ने वाला और थोड़ा समझने वाला टाइप। तो फिर वहीं से फिर हम सब बैठ के पढ़ते थे, डिस्कस करते थे सब कुछ, तो वहीं से पता चला। फिर मतलब वहां से था कि हाँ बस अब करना है। फिर मतलब फ्रेंड सर्कल से मेरे को ऐसे घर से वगैरह, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसे मतलब है नहीं, पढ़ाई का है नहीं, तो मेरे को बस जो भी पता चला मेरे फ्रेंड्स लोगों से ही पता चला, जैसे कि IIT जैम का भी मुझे उन लोगों से ही पता चला। फिर उनसे डिस्कस डिस्कस करके और पता चला कि हाँ हम सब आगे ही जाना है। अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स PhD ही कर रहे हैं। आप भी कर रही हैं, अब आज से आप भी कर रही हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हो गया, जब जागो तब सवेरा। ओके जशोदा, इट्स ओके, समटाइम्स फेल करना चाहिए, और उसका आप एग्जाम्पल है, क्योंकि आप फेल किए तो आप, आपको पता है कि अब सक्सेस क्या चीज होती है। बहुत लोग तो सक्सेस जी करते हैं लेकिन जब फेल करते हैं तो फिर उसको वो संभाल नहीं पाते। आप बहुत अपने आप को संभाले हो, इसीलिए मैंने पूछा ना कि उतने इंटरव्यूज में आप फेल किए क्यों, क्या था आपके दिमाग में, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया था। तो ये, सर, हाँ बोलिए। मतलब एक घर वालों का सपोर्ट भी होता है, तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, अभी आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा।
ऐसे मतलब थोड़ा वो भी होता है। हाँ वही चीज में आने वाला था। आप थोड़ा अभी फैमिली का जिक्र किए कि आपके फैमिली में बहुत लोग उस टाइप के नहीं है मैथ्स फील्ड के, जैसा बता रहे थे कि दोस्तों का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा आगे नॉलेज के संबंध में। आप यहाँ भी जुड़ी नोबल फोरम में, तो आपको फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया कि ऐसे वैसे। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। सर मेरे पापा की शॉप है और बाकी मेरी मम्मी घर पे ही है, और मेरे दो भाई है जो मेरे से छोटे हैं, वो अभी पढ़ते हैं वो भी। वाह, वो भी मैथ में है, कैसा नहीं इंटरेस्ट नहीं उनका सर, नहीं सर वो मैथ्स में नहीं है, मैथ्स में मैं ही हूँ। तो मैथ्स को लेके फैमिली का जैसा बताया, फैमिली की तरफ से सपोर्ट ऑफ कोर्स वो तो बहुत जरूरी था इमोशनली मेंटली, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सर बताइए, जब फेल करते थे नहीं होता था सिलेक्शन, तो घर वालों का क्या रहता था आपके प्रति। सर मतलब जब मैं इंटरव्यू मतलब होते अभी होने वाले होते उससे पहले मेरे पापा बोलते थे, अरे हो जाएगा तेरा, तू तो बहुत पढ़ रही है, अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आ जाते थे तो पापा बोलते थे कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो और नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ऐसे करते थे। और मेरी मम्मी तो मतलब ऐसा हो गया था कि हाँ होना ही है तेरा, चलेगा, कई कई जगह रिजेक्शन आ रहा है चलेगा, पर तेरा होना ही है, मुझे पता है। मतलब ऐसे मतलब मम्मी लोग थोड़े होते ही है तो। एक बार आप क्या बोल रहे थे क्लास में, मैंने आपसे कुछ पूछा था, आप जवाब नहीं दे पाए थे, मैं आपको डांट रहा था, तो मम्मी आ गई थी, क्या बोल रही थी नहीं सर आप वो आप डांट रहे थे मुझे, तो मैं मम्मी को बोली सर मुझे डांट रहे हैं, तो मम्मी मेरे को ही डांटने लग गई, डांटेंगी ही पड़ेगी नहीं तो। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब फैमिली के साथ आपका रिलेशन मतलब एक फ्रेंडली जैसा है, मतलब आप भी मम्मी पापा के साथ पूरा फ्रेंडली है, और माता पिताजी का भी आपके साथ रोल वैसा ही है, एकदम फ्रेंड की तरह आप ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। मतलब रिस्पेक्ट तो है ही, म्यूचुअली रिस्पेक्ट है ही, बट एक दायरा जो है फ्रेंडशिप का, मतलब कि ठीक है आप शेयर करते हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, जो एक दोस्त करते हैं, राइट। जी सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पढ़ने का, आप जो आए थे आप रेगुलर बैच में थे, कैसा थे वो, कौन से बैच में आप थे। सर ये सर मैं रेगुलर बैच में थी, मैंने जुलाई में ज्वाइन किया ज्वाइन था, किया अभी था, जुलाई। तो यस कैसा रहा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस ये 6 महीने में, कैसा आप कैसा क्या रहा। सर मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक थे, ऐसे हो जाते थे, क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन मैं अच्छे से ऐसे सोच नहीं पाती थी कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि क्या है। तो सर आप वो आपने सिखाया कि अरे थैंक यू सर। चलो, एट द एंड आपका हुआ सिलेक्शन, आप खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ, और आगे लाइफ में फिर नई नई चुनौतियां आती रहेगी, है ना। आईटीज में आप जाओगे, काम करोगे, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने डिसाइड कर रखा है किसमें आपको काम करना है, जी सर किस। सर हाँ हाँ बोल, एलजेब्रा था जी सर। एलजेब्रा और या नंबर थ्योरी, इसी में आपको काम करना है, राइट, यही आपको। हाँ सर चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, और उसमें बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, मस्ती के साथ एंजॉय करना है जो अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे, और उसमें अपने आप को नया नया चीज सिखाते रहना और आगे बढ़ते रहना है, ओके जशोदा, है ना। और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत स्ट्रगल आपने किया है, इतने इंटरव्यूज आपने फेल करे उसके बावजूद आप मोटिवेटेड थे और काम कर रहे थे, बहुत गट्स चाहिए इसके लिए। बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बहुत सारे छोड़ देते हैं, दो तीन इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ तो छोड़ देता रहे, चलो मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा, लेकिन आप इतना किए बहुत बड़ी बात है। तो आपकी तरह जो स्टूडेंट्स हैं, या आपसे भी और कह दे कि जिनका नेट जारब भी नहीं है लेकिन अच्छा ड्रीम रखते हैं, या जिनका नेट जारब भी है पीजी इंटरव्यू दे रहे हैं फेल कर जाते हैं नहीं हो रहा उनका सिलेक्शन, उन दोनों लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है। सर फर्स्ट तो अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट के बिना कुछ नहीं होता। जैसे कि अब हम चाहते हैं कि हम इसमें करना चाहते हैं, घर वाले या फिर कोई और बोलता है कि तुम इस ये करो, और हम वो प्रेशराइज होके वो कर लेते, तो मतलब यदि ठीक है एक एग्जाम तुम क्लियर हो जाएगा लेकिन आगे फिर मुश्किल आएगी। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि अपना इंटरेस्ट किसमें उसमें जाओ, और बाकी फेल फेल तो होंगे बहुत, मतलब
मैं खुद एक्सपीरियंस है मुझे कि हाँ मैं भी बहुत फेल वगैरह हुई हूँ, रिजेक्शन बहुत मिले हैं, लेकिन हाँ अपना काम करते जाओ, बाकी कुछ सोचना नहीं है, फालतू में सोचने से कोई मतलब नहीं है। मैं भी बहुत सोचती थी, लेकिन जब मैंने सोचना खत्म कर दिया तब रिजल्ट मिला मुझे। तो वाह क्या बात है, वही बात है कि बहुत सोचना नहीं अच्छा। है, जो बस पढ़ो अपना मेहनत करो, हो जाएगा आराम से, और कुछ चलो टेंशन वेंशन नहीं लेनी। वाह बहुत बढ़िया, मेरा ही चीज चिपका दी, मेरा ही वो बड़ा टेंशन यस नहीं सर, यस सर, आज सर लेने। आप हमेशा हमें ऐसे ही बोलते हो, मोटिवेट करते हो। चलो जसोदा मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये 6 महीने जुड़ के, बहुत अच्छे आप पढ़े, बहुत मेहनत आपने किया, अपने लेवल से आपने बहुत बेस्ट किया, उसी का ही नतीजा है। और आप फ्यूचर में अच्छा करें, और कभी आएंगे दिल्ली तो हम लोग मिलेंगे फिर। ओके जशोदा, ठीक है, ओके, जी सर, जी सर, ध्यान रखिए अपना, और थैंक यू फिर हम सर, लोग मिलते हैं। बाकी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको कोई भी इससे रिलेटेड हो, इस टाइप के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आगे कुछ अच्छा करना है, लगता है कि हाँ डायरेक्शन मेंटरशिप की जरूरत है, मेल करें noble4m05@gmail.com पे। थैंक यू जशोदा, एंड थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर दिस। ओके थैंक यू चलो सर, चलो बाय, ध्यान रखो।